पापा जी होंगे पीएम बात करने वाले। यदि आप पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार फिल कर सकते हैं? साथ ही यह भी जानेंगे इस योजना के तहत कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है और इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सब कुछ इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर लैपटॉप में कहीं पर भी ब्राउजर को ओपन करना है, वहाँ पर विश्वकर्मा डालेंगे तो फर्स्ट में वेबसाइट आ जाएगी पीएम विश्वकर्मा के नाम से, तो इसी वेबसाइट को आपको ओपन करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस वो देखने को मिल जाता है। अभी जान लेते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है। तो इसके लिए ये देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी, यहाँ पर क्राइटेरिया, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको बताया जाता है। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो ये बता रहा है कि जो भी फॉर्म फिल करेगा उसका एज 18 साल होना चाहिए, यानी 18 प्लस होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो पीएम स्वनिधि और मुद्रा योजना, वो काफ़ी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो योजना चलाई गई है उसके तहत अगर आपने लोन लिया है और वो लोन बकाया है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और कोई मेंबर सरकारी जॉब है तभी ये फिल नहीं कर सकता। और साथ ही परिवार में से एक कैंडिडेट ही इस योजना के तहत फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, अभी जान लेते हैं कि इसमें क्या है? एक लिस्ट निकली है, वो लिस्ट में से जिन जिन लोग वो काम करते हैं सिर्फ वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है ट्रेड का नाम आ चुका है, नहीं कितने सर के व्यापार हैं जिन जिनके तहत आप फॉर्म है फिल कर सकते हैं। जैसे इसमें है यहाँ पर सुनार है, एक कुम्हार है, एक लोहार है और बहुत सारी यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। अब जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप आते हैं वो वाला फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो इधर देख लीजिए यहाँ पर लिस्ट दी गई है, तो आपको देखना कि आप क्या काम करते हैं और इसमें से मैच कराना कि आपका जो काम करते हैं उसका नाम इसमें मेंशन किया गया है या नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो आप फिल नहीं कर पाओगे, अगर इसमें मेंशन किया गया है जो आप काम करते हैं तो आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। इसके अलावा और जानकारी चाहिए भी डिटेल में से आपको जानना है तो आप यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आ रहा है स्कीम गाइडलाइंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सारे एक पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप ये पीडीएफ को ओपन करके चेक करेंगे तो इसमें बहुत सारे काम के जो लिस्ट है वो साथ ही इसमें इमेज भी दी गई, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो नेम है, जो ट्रेड का नेम है उसमें क्या काम होता है। तो इसमें इमेज दिया गया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देख सकते हैं कि ये जो इमेज में है एक लोहार का फोटो है, तो इस प्रकार जो ट्रेड का नाम आप देखेंगे उसके साथ इमेज भी आ जाएगा, जिससे कि आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ जो आप ट्रेड के तहत फॉर्म फिल करने वाले हैं हाँ वही आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो इधर से आपको ज़्यादा जानकारी और मिल जाएगी। और इसमें बेनिफिट क्या है वो देख लेते हैं, इसके बेनिफिट पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और इसमें आपको 5 से 7 दिन का एक बेसिक ट्रेनिंग मिलता है और इसमें आपको 15 दिन का ट्रेनिंग मिलता है जिसमें एडवांस ट्रेनिंग होगा। और इसके अलावा यहाँ पर टूल किट यानी औजार पाती खरीदने के लिए 15,000 रुपये तक ही आपको यहाँ पर है यहाँ पर पैसा मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में। और इसके अलावा आपको 1,00,000 रुपये का पहली बार 1,00,000 रुपये का आपको लोन भी दिया जाएगा। जब 1,00,000 रुपये चुका देंगे तो उसके बाद आपको 2,00,000 तक का लोन है वो पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बेनिफिट है तो आप इनका बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं जो 15,000 रुपये मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि सबको 15,000 मिलेंगे, इसमें मैक्सिमम अमाउंट देखा जाए कि आप 15,000 तक का टूल किट खरीद सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि सब लोग 15,000 तक का ही खरीदे, कोई 5,000 तक का खरीद सकता है। तो वह तो औजार पाती पर डिपेंड पड़ता है, वो औजार जो टूल किट है जो भी औजार है वो कितना रुपये का आता है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट 15,000 रुपये है तो 15,000 रुपये तक आपका फ्री में मिल जाएगा यह पैसा जिससे आप टूल किट खरीद सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसका फॉर्म आप किस प्रकार फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है हाउ टू रजिस्टर, इस वेबसाइट पर लॉगिन करना है तो आपको रजिस्टर करना होता है। यहाँ पर कुछ प्रोसेस बताया गया कि यह जो 4 प्रोसेस है 4 स्टेप है, अगर इनको फॉलो करेंगे तो आपका फॉर्म है फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा तो लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्म फिल करने के लिए इनमें से कोई एक आईडी जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास CSC आईडी है तो आप यह इस ऑप्शन से फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास CSC आईडी नहीं है तो मार्केट में जहाँ पर इमित्रा या CSC सेंटर हो तो वहाँ से आप जाकर फॉर्म को फिल करा सकते हैं। अगर आपके पास CSC आईडी है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं CSC
रजिस्टर जो सेकेंड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। इधर आपको CSC का यूजर पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन करना होगा। जैसे आप CSC ID को लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके परिवार में से कोई सरकारी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यदि है तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। तो आपको नो ही करना है यहाँ पर, और उसके बाद में नीचे यहाँ पर एक लिखा रहा है ऑप्शन। इधर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने यहाँ पर स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनके अगर आपने कोई लोन लिया होगा तो आप इसका योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, तो इसकी जगह यहाँ पर आपको नो टिक करना है। अपन दोनों जगह पर नो नो करके कंटिन्यू कर लेना है। अब इधर आपको प्लीज़ एंटर आधार लिंक मोबाइल नंबर, यानी आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होता है वो मोबाइल नंबर को इधर एंटर करना होता है। यदि आपको नहीं पता है तो आप UID की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं अपना आधार नंबर डाल के, वहाँ पर बता देता है कि लास्ट में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आधार नंबर में जो भी आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर इधर एंटर कर देंगे। उसके बाद में इधर आपको आधार नंबर फिल कर देना है। इधर जो इमेज में जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चर को इधर फिल करेंगे, सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे। जो अक्षर कैपिटल है स्मॉल है सेम टू सेम फिल करेंगे, और स्पेस नहीं देना है, और इस पर टिक करके कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP सेंड हो जाता है। तो आपको OTP को यहाँ पर फिल करके कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं OTP को फिल करने के बाद में। फिर आपके सामने यहाँ पर बायोमेट्रिक का ऑप्शन और डिस्प्ले हो जाता है। तो आपको कस्टमर का बायोमेट्रिक करवाना होता है तो आपको अपना सिस्टम से बायोमेट्रिक का जो मशीन होता है उसको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद में इस पर क्लिक करके वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आपका बायोमेट्रिक सक्सेसफुली हो जाएगा तो फिर आपके सामने ये चार स्टेप है वो ओपन हो जाएंगे। तो आपको एक एक करके सभी डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पर फादर से या स्पोक्सन नेम भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में इसमें आपको विवाह की स्थिति देना होता है कि आप मैरिड है अनमैरिड है वो डालना होता है। उसके बाद में जेंडर आ जाएगा, यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में बताना होगा आप दिव्यांग है नहीं विकलांग है नहीं है, तो आपको वो डाल देना है। यदि यस करेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी डालना होगा विकलांग की। और यहाँ पर बिजनेस यानी जो आप व्यापार करते हो सेम स्टेट में करते हैं तो आपको यस कर देना। जो आधार कार्ड में जो स्टेट का नेम होता है उसी स्टेट में करते हैं तो आप यस करना है, और उसी डिस्ट्रिक्ट में करते हैं तो यहाँ पर भी यस कर देना है। अगर आप मिनोरिटी यानी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो आपको यस कर देना होगा, और किस समुदाय से आते हैं वो डालना होता है। अगर यदि नहीं है तो नो पर टिक कर देना है, और आपको नेक्स्ट कर लेना है, आगे की तरफ आपको मूव करना है। इधर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आधार नंबर आ जाएगा, पैन कार्ड नंबर डालने के लिए बोलते हैं, बट ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि आपको डालने का जरूरत नहीं है, आप नहीं डालेंगे तब एक काम चल जाएगा। वो इधर फैमिली का डेटा है जिसमें यहाँ पर राशन कार्ड है यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पर जो आधार कार्ड होता है आधार कार्ड से जो राशन कार्ड नंबर लिंक होता है उससे यहाँ पर कनेक्ट कर लेता है। तो आपके आधार कार्ड से ये वाला राशन कार्ड नंबर है लिंक है, तो यहाँ पर राशन कार्ड नंबर फेच कर दिया है इसने। और इधर यहाँ पर है यहाँ पर लिस्ट है और डिस्प्ले होगी आपके राशन कार्ड में जो जो मेम्बर वहाँ पर रजिस्टर है यहाँ पर ऐड है राशन कार्ड में उनके नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। बाई चांस यहाँ पर ऐसे नाम डिस्प्ले हो जाए जो आपके राशन कार्ड से रिलेटेड नहीं है तो ऐसे में आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे इस तरह क्लिक कर देना, क्योंकि हमारे केस में 3-4 नेम है, ये यहाँ पर कुछ रैंडम नेम आ चुके हैं जो हमारे नहीं है तो इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं। अगर कोई नेम नहीं है तो यहाँ पर ऐड रो वाले बटन पर क्लिक करके आप उनका नाम और ऐड भी कर सकते हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। इधर आपको यहाँ पर आधार कार्ड का एड्रेस है वो देखने को मिलता है। ये पूछा जा रहा है कि जो ये आधार कार्ड का एड्रेस है वही आपका एड्रेस है, करंट एड्रेस यानी परमानेंट जो एड्रेस होता है वो यही है क्या? तो यहाँ पर आपको यस कर देना है यदि सेम है दोनों एड्रेस। तो यहाँ पर पूछा तो जा रहा है कि डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं, तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो भी कर सकते हैं। जैसे कि ये नो करेंगे तो यहाँ पर आपको UL का नाम है यहाँ पर डालना होता है। यदि ग्रामीण एरिया में आते हैं तो यहाँ पर यस करते हैं, यहाँ पर अपना तहसील ब्लॉक का नेम डालना होता है, फिर आपका ग्राम पंचायत का नाम है वो सेलेक्ट करना होता है। अब इधर लास्ट में आपको ट्रेड की डिटेल डालनी होती है। तो आप क्या ट्रेड करते हो, जो आपने लिस्ट चेक की होगी आपका कौन सा ट्रेड है, तो आपका जो भी ट्रेड है उस ट्रेड का नेम पर आपको टिक करना होगा, यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना होता है।
जैसे हमने यहाँ पर ट्रेड करने हम सेलेक्ट कर लिया, सब ट्रेड सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल है, तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर आपको टिक करना है बिजनेस एड्रेस, तो यहाँ पर सेम एज आधार एड्रेस, तो बिजनेस जो एड्रेस हो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही है। और इसके अलावा यहाँ पर सेम एज करंट एड्रेस जो ये इस पर यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर अदर्स पर डाल सकते हैं, जो बिजनेस एड्रेस हो किसके अकॉर्डिंग है। तो हम यहाँ अदर वाला डाल देते हैं या फिर करंट एड्रेस भी डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर अदर डाल देते हैं या फिर अदर वाला ऑप्शन पर जाकर आप वो एड यहाँ पर ट्रेड का लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर लोकेलिटी, यहाँ पर हाउस नंबर और यहाँ पर बिजनेस का स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर सेम एज आधार वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर बैंक की डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शन है डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इधर आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना है और इधर आईएफएससी कोड और इधर आपको बैंक ब्रांच का नेम इधर सेलेक्ट कर लेना है और इधर आपको अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर को आपको फिल कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर क्रेडिट सपोर्ट में पूछा जाता है कि आपको अभी लोन की रिक्वायरमेंट है, तो यदि अभी लोन लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और अगर इस पर टिक नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बाद में लोन लेंगे, यानी बाद में आप ले सकते हैं। तो यस करेंगे तो अभी आप लोन ले सकते हैं, तो इस पर यस पर क्लिक कर देना, कितना लोन चाहिए वो लोन यहाँ पर एंटर कर देना अमाउंट लोन का, या फिर आप बाद में भी ले सकते हैं, जो आप अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं अभी फिलहाल। और इसके अलावा इसको आप ऐसे छोड़ देना है और उसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है देखने को मिल जाएगा। इसके ट्रेनिंग के अंदर आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आपको 5 दिन का 15 दिन का बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग मिलेगा और आपको टूल किट के लिए यहाँ पर 15,000 रुपये का तक आपको यहाँ पर गारंटी के साथ आपका पैसा मिल जाएगा। उसके अलावा मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए तो आपको किस तरह का सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। जैसे आपको अपना प्रोडक्ट को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचना हो या क्वालिटी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो और या फिर आप किसी को मेले में भाग लेना चाहते हैं, इस तरह के जो मेले होते हैं उसमें फेयर जो बोलते हैं मेले होते हैं उसमें भाग लेना चाहते हो या लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए हो या फिर आपको ब्रांड बिल्ड करना हो तो वो इस तरह के आप सपोर्ट चाहिए तो वो आप इन पर टिक कर सकते हैं। अगर टिक नहीं करते नेक्स्ट करते डायरेक्ट तो यहाँ पर ये ले लेता है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा, इसको एक्सेप्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और ये आपके सामने एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। इससे आपको फॉर्म पर ट्रैक किया जाएगा, आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, अप्रूव हुआ, पेंडिंग है, तो इसके थ्रू आप ट्रैक कर पाएंगे। तो इसको नोट कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ज़रूर रख लेना है, उसके बाद में डन कर देना है। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्म है फिल हो चुका है। और इधर आप देख सकते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन है एप्लीकेशन स्टेटस में ये भी बता रहा है रिव्यू पेंडिंग फॉर या ग्राम पंचायत, यहाँ पे यहाँ पर UELB का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आपका पेंडिंग है और इस तरह का आपने फॉर्म फिल किया था और ये एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्शन आएगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी डिस्प्ले हो जाएगा। पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप इस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड बटन पर क्लिक करके। तो कुछ इस प्रकार आप इस फॉर्म को है फिल कर पाएंगे। यदि आप कुछ दिन बाद में इस फॉर्म का स्टेटस चेक करेंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। फर्स्ट में जो ऑप्शन है यहाँ पर बेनिफिशियरी लॉगिन का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा और इधर अपना मोबाइल नंबर कैप्चर डाल के लॉगिन करना है। OTP लेकर यहाँ पर डालकर तो आपका लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पर एप्लीकेशन का स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।